Good morning, students. I'm Savita, your grammar teacher. Today I'm going to teach you lesson 12. These and those. So let's start. These and those. Firstly, these means होता है यहाँ. These means होता है यहाँ. हम क्या होता है? These and those. These means होता है यहाँ. And those means वहाँ. और these में these को हम near के लिए use करते हैं, हाँ? Near. और those को हम for के लिए. Okay? हाँ, near means क्या होता है? जब चीजें मेरे पास में रहती हैं, but remember one thing. Near means होता है जब चीजें पास में होती हैं, but वो plural होती, singular नहीं होती. तब हम these का use करते हैं. और चीजें जब दूर होती हैं, हाँ, और वो भी singular होती हैं, तब हम those का use करते हैं. Near means होता है पास में. और far means होता है दूर. तो जो चीजें हमारे पास में होती हैं, जैसे कई बुक्स है या कई चीजें हैं, तो दीज आर बुक्स. या हाँ, अगर पास में है तो जैसे हम लोग दिस नहीं बोलते हैं, जैसे दिस मीन्स यह होता है, हाँ, और दीज मीन्स यहाँ होता है, दैट मीन्स वह होता है, और दोज मीन्स वहां होता है. ठीक, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, हाँ, और ये प्लूरल के साथ. ओके, दिस मींस यह होता है, दिस मींस यहां होता है, दैट मींस वह होता है, दोज मींस दिस मींस यह होता है, हाँ, और दिस मींस यहां होता है. तो करेक्टली आप समझ लीजिए, दैट मींस वह होता है और दोज मीन्स वहां होता है. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर एक की बात करते हैं, तो हम दिस और दैट लगाते हैं, बट अगर हम एक से अधिक की बात करते हैं, तो हम दीज एंड दोज लगाते हैं. ठीक है, दीज मीन्स यहां होता है और दोज मीन्स वहां. दीज नियर के लिए यूज होता है और दोज फॉर के लिए, मतलब जब दूर रहती कोई चीज, वो भी ढेर सारी रहती है, तो वहां पर देखो बच्चे हैं या वहां पर बहुत सारे कुछ भी, कोई भी थिंग्स को हम कर सकते हैं. ठीक है, तो आप बुक में देखो, ओपन लेसन 12 इन योर बुक. तो समझ गए आप लोग ना, दीज मीन्स क्या होता है, यहां होता है, और ये नियर पास के लिए यूज होता है, और दोज मीन्स वहां होता है, ये फॉर के लिए यूज होता है, बट ये प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है. दिस मीन्स यह होता है, दैट मीन्स वह होता है, दीज मीन्स यहाँ होता है, दोज मीन्स वहां होता है. ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और ये प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज करते हैं हम. ठीक है, ओके. और जब दीज और दोज हम तभी यूज करते हैं जब मेनी थिंग्स या मेनी पीपल, मतलब बहुत सारे लोग या बहुत सारे सामान होते हैं, तभी हम दीज एंड दोज का यूज करते हैं. ठीक है, आप लोग इसको अपने कॉपी पे नोट डाउन करिएगा और इसको अच्छे से लर्न करिएगा. दीज मीन्स यहाँ और दोज मीन्स वहां. पहले दिस मीन्स यह, दीज मीन्स यहाँ, दैट मीन्स वह, और दोज मीन्स वहां. दिस सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है और दीज और दोज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है. दीज नियर के लिए और दोज फॉर के लिए. आप लोग अपने नोटबुक पे इसको नोट डाउन करेगा एंड लर्न इट. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन. टिल देन, बाय, टेक केयर.